बात करेंगे बांका जिले के कटोरिया प्रखंड की, जहां सुइया कटोरिया रोड पर स्थित कांवरिया धर्मशाला की हालत काफी जर्जर है। रख रखाव के अभाव में ये धर्मशाला कभी भी धराशाही होकर किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में इस धर्मशाला की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि यहाँ ये धर्मशाला कभी भी धराशाही हो सकता है। यहाँ के पुजारी कहते हैं कि हमें स्थानीय विधायक के द्वारा कोई सुविधा नहीं मिलती है, जबकि इस धर्मशाला में से सावन में राजस्व की अत्यधिक प्राप्ति होती है, बावजूद इसके ये धर्मशाला अपने दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। देखिए बांका से हमारे संवाददाता राजेश पंजकार की ये ग्राउंड रिपोर्ट। अठहत्तर से है। तो ये जो धर्मशाला है इसकी देख रेख रख रखाव कौन करते हैं? विधायक। इतने दिनों से ये जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ मधुमक्खी का छत्ता है। और इलाका इसके लिए क्या कहना है आपका? विधायक जी आते हैं, देखते हैं, जाते हैं, कहते कुछ नहीं है। अच्छा, तो आपकी व्यवस्था कैसे चलती है? भगवान भरोसे। अगर स्टाफ हम लोग हैं, जिसमें एक स्टाफ मर गया कल परसों, और हम लोग भी जाने वाले हैं। आपको इसके द्वारा, विधायक के द्वारा या कुछ ऐसा आपको नहीं मिलता है? कुछ नहीं। अच्छा, तो इतना रिस्क लेकर आप बाबा के नाम से यहाँ अपना काम कर रहे हैं? बाबे खुला रहे। अच्छा, कितना कांवरिया यहाँ रुकता है सावन में? सावन गाड़ी घोड़ा वाला वही आता जाता है, यानी 2,000-5,000। इसके रख रखाव की जरूरत है। बोलबम का नारा है, बाबा एक सारा है। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कटोरिया के कांवरिया धर्मशाला में। यहाँ लाखों कांवरिया इस भीड़ में श्रावण मेला में बाबा बैद्यनाथ को जल चढ़ाने के लिए रास्ते से गुजरते हैं, और इस धर्मशाला में मध्याह्न समय में इस समय रुकते हैं। और यह धर्मशाला जो है, ये विधायक निधि के द्वारा इसकी देख रेख रख रखाव होता है। पिछले कई सालों से इस धर्मशाला का रख रखाव नहीं हो सका है, जिस कारण से यहाँ के जितने भी यात्री हैं डरे सहमे रहते हैं, और लोगों का भी कहना, मैं आइए मैं कैमरामैन को कहूँगा कि यहाँ की स्थिति को दिखाने के लिए आप देख सकते हैं कि यह दान पेटी है और ये बशहा का यह स्थान है, लेकिन इसका जो स्थान है उसका जीर्ण सिर छत ऊपर से गिर रहा है। क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि अगर धार्मिक आस्था से जुड़े इस महामेला में बाबा बैद्यनाथ को जल अर्पण करने के लिए यदि कांवरिया जाते हैं, तो इस अवस्था में यदि बाबा का स्थान पर, इस स्थान पर पूजा के लिए आएंगे, तो किसी अनहोनी को नकारा नहीं जा सकता। इसके साथ मैं आपको यहाँ के जीर्ण शीर्ण व्यवस्था के बारे में और दिखाना चाहता हूँ। क्या इसका भविष्य है? क्या विधायक निधि के द्वारा जो ये कंवरियों का स्थल है, आश्रय स्थल धर्मशाला, जहाँ ये इसकी स्थिति यह है, आइए मैं देखो कहूँगा कि इसकी सच्चाई को देखिए। आप देखिए कैमरा में, मैं इनको कहूँगा कि दिखाइए ये जगह जहाँ कांवरिया आकर भोजन बनाते हैं, भोजन करते हैं, फिर ये सारा ये जो एरिया है उन्हीं के रुकने का स्थल है, जो पैदल पांव चलकर इस स्थान पर। वैसे सरकार के द्वारा तो बहुत अच्छी व्यवस्था हर तरफ की जा रही है, लेकिन कुछ खास लोग जो पुराने समय में से इस जगह आते आ रहे हैं, वो इसी धर्मशाला में आकर रुकते हैं। आप देख सकते हैं इसका छत, क्या छत गिर रहा है, और चारों तरफ ये एक बेवत्स जगह के रूप में है। क्या ऐसे में धार्मिक आस्था का यह माहौल किस तरह बनेगा? इसके साथ ही यदि अगर समय आते इसकी व्यवस्था दुरुस्त न की जाए, तो किसी अनहोनी से नकारा नहीं जा सकता। रफ्तार मीडिया, राजेश पंजीकार, कांवरिया धर्मशाला, कटोरिया।